तो अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कॉर्पोरेट मिशन, कोड ऑफ एथिक्स एंड कॉर्पोरेट एक्सीलेंस. तो जैसा कि हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर्स में थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं कि कॉर्पोरेट मिशन अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो विज़न ज़रूर डिस्कस करना पड़ेगा. विज़न इज़ बेसिकली आपको, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को और आपको कहाँ जाना है. और मिशन एक छोटे छोटे टुकड़ों में चलता है, छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं. तो विज़न आपको जाना कैसे है और मिशन आपको ये बताता है आप कैसे जाओगे. कोड ऑफ एथिक्स ऑर्गेनाइजेशन इशू करती है अपने एम्प्लॉई के लिए, मैनेजमेंट के लिए, वर्कर्स के लिए, अपने एसोसिएट्स के लिए. ये रिटन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं. ये इसलिए इशू करे जाते हैं कि जो भी हमारे एसोसिएट्स हैं, जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, मैनेजमेंट है, वो कंपनी की कॉर्पोरेट फिलॉसफी के अकॉर्डिंग, उनके एथिकल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, उनकी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग काम करें. यानी कि अगर टाटा ऑर्गेनाइजेशन टाटा कोड ऑफ कंडक्ट इशू करती है, जिसको हम लोग शॉर्ट में TCOC बोलते हैं, TC टाटा कोड ऑफ कंडक्ट, TCOC, तो वो इसलिए इशू करती है क्योंकि टाटा अपनी इमेज को ट्रस्टेड ब्रांड, मोस्ट एथिकल कंपनी की तरह बना के रखना चाहती है. तो वो चाहती है कि वो इमेज तभी बन सकती है जब उसके एम्प्लॉयज़ इस इमेज को सपोर्ट करें और वो भी उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करें. तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को रिटन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इशू करती है ताकि वो कंपनी की फिलॉसफी को समझे और उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करें. तो कोड ऑफ एथिक्स बेसिकली रिटन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को इशू करती है. कॉर्पोरेट एक्सीलेंस क्या होता है? कॉर्पोरेट एक्सीलेंस का मतलब ये कि जब भी कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप एथिक्स को इम्प्लीमेंट करते हैं और आपका जो काम है वो परफेक्शन की तरफ चलने लगता है, आप अपने एम्प्लॉई को प्रॉपर रिस्पेक्ट देते हैं, उसकी सारे राइट्स को रिस्पेक्ट देते हैं, टाइमली पेमेंट कर रहे हैं, अपने सारे स्टेक होल्डर्स को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उनके साथ रिलेशन बहुत अच्छा है, आप अक्रॉस द बिजनेस एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं, आप जो प्रोडक्ट और सर्विसेज बना रहे हैं वो यूज़र फ्रेंडली हैं, कस्टमर ओरिएंटेड है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर रहे हैं, आप जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज डिलीवर कर रहे हैं वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं, गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग, रेगुलेशन के अकॉर्डिंग है. तो जब आप इस तरह की सारी प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं तो आप कॉर्पोरेट एक्सीलेंस की तरफ बढ़ रहे होते हैं. तो कॉर्पोरेट एक्सीलेंस में अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन काम करती है तो अपने आप ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो सफलता अचीव कर लेती है धीरे धीरे. आइए अब इसको थोड़ा सा आगे डिटेल में समझते हैं क्या होते हैं तीनों. सबसे पहला पॉइंट या चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू मिशन स्टेटमेंट. अ मिशन स्टेटमेंट इज अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ व्हाई एन ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट. व्हाट इज ओवरऑल गोल इज आइडेंटिफाइंग द गोल ऑफ इट्स ऑपरेशंस, व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज इट प्रोवाइड्स, इट प्राइमरी कस्टमर्स और मार्केट एंड इट्स ज्योग्राफिकल रीजन ऑफ ऑपरेशन. मिशन स्टेटमेंट एक ऐसा शॉर्ट स्टेटमेंट होता है जिससे हमें यह पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन का एग्जिस्टेंस का रीजन क्या है, वो क्या करना चाहती है. वो अपने छोटे छोटे गोल्स को डिफाइन करती है, अपने गोल्स को डिफाइन करती है. ऑपरेशनल में उसको किस तरह के गोल्स अचीव करने हैं, प्रोडक्ट और सर्विसेज किस तरह की देनी है, कस्टमर कौन से टारगेट करने हैं, किस तरह की मार्केट में उसको अपना सर्व करना है, कौन सी ज्योग्राफिकल लोकेशन को उसको सर्व करनी है, इसके अकॉर्डिंग वो ऑर्गेनाइजेशन अपने मिशन स्टेटमेंट को बनाती है. और जैसा हमने बताया है कि विज़न एक लॉन्ग टर्म ओपिनियन है, यानी विज़न स्टेटमेंट ये बताता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को कि फाइनली उसका वो डेस्टिनेशन है. और मिशन स्टेटमेंट की हेल्प से वो छोटे छोटे अपने टारगेट्स पूरा करती है, उस विज़न की तरफ बढ़ती है. तो जब मिशन स्ट्रांग होगा तभी विज़न स्ट्रांग हो पाएगा. अकॉर्डिंग टू क्रिस बार्ट, प्रोफेसर ऑफ स्ट्रेटजी एंड गवर्नेंस ऑफ मैकमास्टर यूनिवर्सिटी, कॉमर्शियल मिशन स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ 3 इसेंशियल कंपोनेंट. कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं प्रोफेसर के अकॉर्डिंग? की मार्केट मतलब आपका टारगेट ऑडियंस क्या है. मतलब आप अपने मिशन स्टेटमेंट में ये क्लियर कर दें कि आप किन लोगों को सर्विसेज या प्रोडक्ट ऑफर करने वाले हैं, आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, आपकी मार्केट क्या है. फिर कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब आप किस तरह से कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उनकी लाइफ में, उनकी लाइफ को किस तरह से बेहतर बना रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट और सर्विसेज आप
उनको ऑफर कर रहे हैं। डिस्टिंक्शंस, आप अपने मिशन स्टेटमेंट में ये बताएंगे कि आप किस तरह से दुनिया में जो हजारों सैकड़ों कंपनियां एग्जिस्ट कर रही हैं और वो भी वही सेम प्रोडक्ट और सर्विसेज दे रही हैं, उससे आप किस तरह से डिफरेंट हैं, आप क्या यूनिक प्रपोजिशन अपने कस्टमर को, क्लाइंट को ऑफर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट जरूरी हैं जो कि एड्रेस होने चाहिए आपके मिशन स्टेटमेंट में। एक एग्जांपल है amazon.com। हमें पता है कि अमेज़ॉन जो है वो इस समय काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, टॉप 5 में रह रही है, और जेफ बेज़ोस और एलन मस्क ये दोनों बारी बारी से टॉप बिलियनर्स बन जाते हैं, कभी कोई कभी कोई। तो जेफ बेज़ोस वर्ल्ड के मतलब टॉप मोस्ट बिलियनर थे, चेंज होती रहती है प्रोफाइल। उन्होंने अपनी कंपनी को जीरो से स्टार्ट किया था और एक तरह से ग्लोबल लेवल पे बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। क्या मिशन है उनका? इट्स आवर गोल टू बी अर्थ मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, जेफ बेज़ोस ने या amazon.com ने अपना क्या स्टेटमेंट बनाया है, मिशन स्टेटमेंट बनाया है, इट्स आवर गोल टू बी अर्थ मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी। मतलब वो, हम लोगों ने अमेज़ॉन के ऊपर केस स्टडी भी करी थी तो हम लोगों ने ये समझा था, सीखा था कि वो कहता है कस्टमर इज़ द किंग। अमेज़ॉन की पहली फिलॉसफी यही है कि कस्टमर इज़ द किंग। वो ये देखो कि कस्टमर को क्या नहीं पसंद है, तो जो नहीं पसंद है तो वो तो बिल्कुल नहीं करना है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कस्टमर को क्या नहीं पसंद है, कस्टमर को डिले नहीं पसंद है, आउट ऑफ स्टॉक नहीं पसंद है, ख़राब क्वालिटी नहीं पसंद है। उसने कोई ऑर्डर दिया और ऑर्डर अगर उसको दो दिन में मिलना है तो वो दो दिन के अंदर ही आ जाना चाहिए, टाइमली डिलीवरी होनी चाहिए, जो प्रोडक्ट और सर्विसेज को हमने कमिट करी है वो एज पर कमिटमेंट होनी चाहिए, तो ये कस्टमर को चाहिए ही चाहिए। और अगर ये इसमें कोई कमी होती है तो उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता। अगर डिले जाता है तो उसको अच्छा नहीं लगता, अगर ख़राब प्रोडक्ट जाता है तो उसको अच्छा नहीं लगता, अगर आउट ऑफ स्टॉक होता है तो उसको अच्छा नहीं लगता। तो अमेज़ॉन इसी के ऊपर काम करती है। तो उसका मिशन ही स्टेटमेंट ये है कि इट्स अवर गोल टू बी आवर मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी। इस पृथ्वी की, इस प्लैनेट की सबसे ज़्यादा कस्टमर सेंट्रिक कंपनी बनना है। अगर ऐसा उनका मिशन है तो वो डेफिनेटली उसको करने के लिए एफर्ट करेंगे। मतलब उन्होंने मान ही लिया है कि हमें सबसे बेस्ट बनना है, इस प्लैनेट का सबसे बेस्ट बनना है, कोई हमारे टक्कर में नहीं होगा। तो अगर वो इस लेवल का कॉर्पोरेट एक्सीलेंस डिलीवर करने की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो कंपनी वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंपनी बनी जाएगी। इसी वजह से अमेज़ॉन ने दुनिया की लाखों करोड़ों शॉपकीपर्स के रातों की नींद उड़ा दी है। क्यों? क्योंकि वो इतना ज़्यादा कस्टमर सेंट्रिक है, इतना ज़्यादा ध्यान रख रहा है कस्टमर्स को कि लोग अपने घर पे बैठे बैठे प्रोडक्ट मंगा रहे हैं और कोई दुकान पे नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से बाकी सारे लाखों लोगों को नुकसान भी हो रहा है और अमेज़ॉन का साइज बढ़ता चला जा रहा है। तो वेयर कस्टमर्स कैन फाइंड एंड डिस्कवर एनीथिंग दैट माइट वॉन्ट टू बाई ऑनलाइन, मतलब वो कहीं से भी कुछ भी खरीद सकते हैं, ये इनका मिशन ही है। कि पहली बात तो हमें पृथ्वी की सबसे बढ़िया कंपनी बनना है, सबसे कस्टमर सेंट्रिक कंपनी बनना है। दूसरी बात ये कि कस्टमर हमारा जो है वो कुछ भी कहीं से भी ऑनलाइन परचेज कर सके, जो भी उसको चाहिए वो सब अमेज़ॉन पे मिल जाए। और अमेज़ॉन ने 1995 में बुक सेलिंग से अपने बिजनेस को स्टार्ट किया था। और अमेज़ॉन में जेफ बेज़ोस की भी केस स्टडी हम लोग कर चुके हैं और अमेज़ॉन की भी केस स्टडी कर चुके हैं, तो हम लोग रिलेट कर पा रहे होंगे कि ये जो उन्होंने अपना मिशन स्टेटमेंट बनाया था इसको बाद में उन्होंने फुलफिल भी किया। उसके बाद हम लोग मिशन स्टेटमेंट एक और देख लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट का। माइक्रोसॉफ्ट ने क्या मिशन स्टेटमेंट दिया? टू एम्पावर एवरी पर्सन एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन ऑन द प्लैनेट टू अचीव मोर। अब देखिए, अभी यहाँ पे इन्होंने प्लैनेट की बात कर दी, यहाँ पे भी इन्होंने अर्थ की बात कर दी। मतलब ये कंपनियों ने मिशन ही बना के रखा है कि हमारे सेक्टर में हमसे बड़ा कोई होगा ही नहीं। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट का मिशन स्टेटमेंट डिराइव कराया होगा या करा होगा तो उसमें उन्होंने पहले ही मान लिया कि हम प्लैनेट में ये काम सबसे बेहतर करेंगे। जेफ बेज़ोस ने अमेज़ॉन का मिशन स्टेटमेंट बनाया तो उन्होंने ये पहले ही तय कर लिया कि हम इस प्लैनेट की सबसे ज़्यादा कस्टमर सेंट्रिक कंपनी बनने जा रहे हैं प्रोडक्ट डिलीवरी के फॉर्म में। तो ये लोगों ने मिशन ही ऐसे बनाए, इसीलिए वो अपनी अपनी फील्ड में और अपने अपने सेक्टर में नंबर वन हो गए। माइक्रोसॉफ्ट को टक्कर देने वाला सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई नहीं है, मोनोपोली है उसकी,
वो जो चाहे रेट चार्ज कर सकता है, क्योंकि दूसरा कोई माइक्रोसॉफ्ट या दूसरा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है ही नहीं। अगर आपको अपने कंप्यूटर को, अपने लैपटॉप को, अपने डेस्कटॉप को चलाना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ पे ही जाना पड़ेगा, कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल नहीं है। क्योंकि लाइनेक्स है, यूनिक्स लाइनेक्स है और मैकिंटोस है, तो मैकिंटोस यानी कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल का, तो उसको तो खरीदने के लिए आपको पूरा डिवाइस लेना पड़ेगा। उनका 2-4-5 लाख के डिवाइस आते हैं, सबसे सस्ता डिवाइस आएगा, उसमें भी वो सॉफ्टवेयर आपको बेच बेच के उसका रेट 2 लाख पहुँचा ही देंगे। अगर वो आपको 70-80 हज़ार या 1 लाख में भी अगर मैकबुक एयर दे देते हैं तो उसमें भी आपको सॉफ्टवेयर खरीदने पड़ेंगे और अल्टीमेटली उसकी जो प्राइस है वो 1.5-2 लाख तक पहुँच जाएगी, अगर आप सॉफ्टवेयर की प्राइस उसको इंक्लूड कर लेंगे तभी आप उसमें प्रॉपरली काम कर पाएंगे। तो इसलिए वो उतना महंगा है और इसलिए उसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी नहीं है। ये ओपन है, किसी भी कंप्यूटर में आप इसको रन करा सकते हैं। इसलिए अगर आप कभी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट का ही विंडोज़ ही एक हमारे पास ऑप्शन है। तो इसलिए उनकी मोनोपोली भी है और उन्होंने अपने मिशन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक्ट किया और वो वाकई में सबसे सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बन गए हैं अपने फैक्टर में। तो अमेज़ॉन और माइक्रोसॉफ्ट जो है वो हमें मिशन स्टेटमेंट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल सामने हमारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिशन स्टेटमेंट, सेकेंड चैप्टर, क्या करेक्टर होने चाहिए। पहली बात, मिशन शॉर्ट होना चाहिए, थोड़ा यूनिक होना चाहिए, आपके बिजनेस के बारे में थोड़ा बताना चाहिए, एक्सपेक्टेशन क्रिएट करे, रियलिस्टिक भी होना चाहिए। अब हम कोई ऐसा मिशन नहीं बना दें कि जो कभी अचीव ही नहीं हो पाए, ठीक है। मॉरल वैल्यूज होनी चाहिए। तो परफेक्ट मिशन स्टेटमेंट में ये 5 चीज़ें होनी ही होनी चाहिए। कंपोनेंट्स ऑफ मिशन स्टेटमेंट, टारगेट मार्केट को एड्रेस करना है, कंपनी की फिलॉसफी को बताना है, कंपनी कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही है उसके बारे में आइडिया लेना है, प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में बताना है, पॉलिसीज ऑफ एम्प्लॉयर और पब्लिक के लिए और अपने कस्टमर्स के लिए क्या पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसके बारे में कुछ हल्का फुल्का जानकारी हो, और कंपनी क्या कर रही है, क्या ओवरऑल उसकी फिलॉसफी है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हो सेल कंसेप्ट में। तो ये कंपोनेंट्स हो सकते हैं मिशन स्टेटमेंट के। पर्पस क्या है मिशन स्टेटमेंट का? टू प्रोवाइड द बेस्ट एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ द कस्टमर्स। तो द मेन पर्पस ऑफ मिशन स्टेटमेंट इज टू गेट अक्रॉस द एम्बिशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन अ शॉर्ट एंड सिंपल फैशन। आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या करना चाह रही है इसके बारे में सिंपल, कम से कम शब्दों में लोगों को बताना इज बेसिकली मिशन स्टेटमेंट। ये सबसे आसान डेफिनेशन है, आपको यही लर्न करनी है, ठीक है। अगर मिशन स्टेटमेंट कि द मेन पर्पस इसके बारे में, अगर पर्पस के बारे में पूछे तो आपको यही लिखना है, द मेन पर्पस ऑफ मिशन स्टेटमेंट इज टू गेट अक्रॉस द एम्बिशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन अ शॉर्ट एंड सिंपल फैशन। कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या करना चाहती है, क्या एम्बिशन है, इसके बारे में शॉर्ट में, संक्षेप में, आसान शब्दों में लोगों को बताना ही आपका स्टेटमेंट कहलाता है। फिर इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या हैं? देखिए, अगर हम मिशन स्टेटमेंट बना के चलेंगे तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है और वो कहाँ पहुँचना चाहती है, कौन से कस्टमर्स को सर्व करना चाहती है, किस मार्केट को सर्व करना चाहती है, ये सब सारी की सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। पर्पस पता चल जाता है, डायरेक्शंस पता चल जाती हैं कि आपकी कंपनी को किस डायरेक्शन में जाना है, ये डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। उन्होंने पहले ही से बोल दिया मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी बनना है, तो आप सारे एम्प्लॉयज़ को एक डायरेक्शन मिल गई, उनको एक पर्पस मिल गया, ठीक है, कि अब उनको उसी डायरेक्शन में काम करना है। टैलेंट को अट्रैक्ट करती है, अब आप किसी को अगर वर्ल्ड की मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी का या मोस्ट टेक्निकल कंपनी का या मोस्ट एथिकल कंपनी का पार्ट बनना है तो वो उस कंपनी को ज्वाइन करेगा, तो ये टैलेंट को अट्रैक्ट करता है, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर देता है, ये ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है मिशन स्टेटमेंट। मिशन स्टेटमेंट को हर जगह लिख दिया जाता है, आपके ऑफिस में, आपकी वेबसाइट में, आपके कैटलॉग्स में, ताकि सारे लोग मोटिवेटेड रहें और कंपनी की इमेज अच्छी बनती है। देखिए, डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं, अब थोड़ा सा कभी कभी अनरियलिस्टिक हो जाता है। अब जैसे कि मान लीजिए जेफ बेजोस ने या बिल गेट ने जब इसको बनाया होगा मिशन स्टेटमेंट और उन्होंने पहले ही ये डिक्लेयर कर दिया सबसे पावरफुल कंपनी या मोस्ट एथिकल कंपनी, तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो सकती है कि सारी कंपनियाँ इसको अचीव नहीं कर सकती हैं। हाँ, नो डाउट बिल गेट्स ने और जेफ बेजोस ने तो ये अचीव कर लिया, लेकिन सबके लिए अचीव करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो कभी कभी अनरियलिस्टिक भी हो जाता है,
जो लोग नहीं कर पाते उनके लिए कुछ चीज़ें उसकी थोड़ी सी कन्फ्यूज़न भी क्रिएट कर सकती हैं कि अगर आपका कथनी और करनी में फ़र्क है, आपने मिशन स्टेटमेंट तो बहुत अच्छा बना लिया लेकिन आप उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि जनरली हम लोगों ने पता था कि जो मिशन होता है, ठीक है, वो विज़न लॉन्ग टर्म के बारे में होता है और मिशन जो थोड़ा है वो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म हो सकता है, तो ये शॉर्ट टर्म इशूज़ पर फोकस करता है। कभी कभी कुछ कॉन्ट्रडिक्शन, कुछ वर्थलेस चीज़ें आ जाती हैं, एम्बिगुअस चीज़ें आ जाती हैं, तो इनको एड्रेस करना पड़ता है। जैसे इसमें लिखा हुआ, द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ मिशन स्टेटमेंट इज दैट द चांस ऑफ इट्स डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन बीइंग रॉन्ग आर वेरी हाई। मतलब जनरली मिशन स्टेटमेंट को जब आप एग्जीक्यूट करते हैं तो उसमें अगर प्रॉब्लम होगी तो फिर वो गड़बड़ कर जाएगा, क्योंकि आपने मिशन बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना लिया और आपकी कंपनी का इंफ्रा, कंपनी के एम्प्लॉई उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ओनर का, प्रमोटर का तो एकदम मिशन बहुत शानदार बना हुआ है लेकिन इंफ्रा उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है और उसने अपने पैरामीटर्स या स्टैंडर्ड बहुत हाई सेट कर दिए हैं, तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। शॉर्ट टर्म इश्यूज़ हो सकते हैं, ये सब सारी चीज़ें हो सकती हैं। मिशन को पूरा करने के लिए लोग जो है वो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स लगाने लगते हैं, उससे भी कहीं कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पोरेट मिशन स्टेटमेंट, ये प्रोसेस है इसका डिजाइनिंग का। व्हेन डिजाइनिंग अ मिशन स्टेटमेंट, थोड़ा सा ये ओवरलैप कर गया है, मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। व्हेन डिजाइनिंग अ मिशन स्टेटमेंट इट शुड बी वेरी क्लियर टू द ऑडियंस व्हाट द पर्पस ऑफ इट इज। इट इज आइडियल फॉर अ बिजनेस टू बी एबल टू कम्युनिकेट विद देयर मिशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव टू बी रीडर विदाउट इंक्लूडिंग एनी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन थ्रू द मिशन स्टेटमेंट। अब देखिए, इन्होंने एक फ्लो चार्ट दिया है कि मिशन स्टेटमेंट को कैसे डिज़ाइन करना है। मैंने आपको इसे अभी विज़न और मिशन में डिफरेंस बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि विज़न हमें बताता है आपको जाना कहाँ है और मिशन आपको बताता है कैसे जाओगे। कैसे जाएंगे वाला जो पार्ट है वो मिशन स्टेटमेंट में देखिए एड्रेस हो रहा है। व्हाट डू वी डू, द मिशन स्टेटमेंट कुड क्लियरली आउटलाइन द मेन पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि उनको क्या करना है, कोई व्हाट दे वॉन्ट टू डू, ऑर्गेनाइजेशन क्या करना चाहती है, फिर कैसे करेंगी ये, हाउ डू वी डू, क्या कैसे, क्या मेथड हो सकता है। इट शुड ऑल्सो मैंशन हाउ वन प्लान ऑन अचीविंग द मिशन स्टेटमेंट, मतलब क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, किसके लिए करेगा, किसके लिए करेगा, ऑडियंस के लिए करेगा, कस्टमर के लिए करेगा, सोसाइटी के लिए करेगा, गवर्नमेंट के लिए करेगा, कौन करेगा, एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी करेंगे, जो उसके प्रमोटर्स हैं, जिसके स्टेक होल्डर्स हैं वो लोग करेंगे। ठीक है, तो ये इसका फ्लो चार्ट है कि कौन करेगा, किसके लिए करेगा, कैसे करेगा, ये सारी की सारी चीज़ें, उससे क्या बेनिफिट होगा, उससे निकलेगा क्या, फाइनली कंक्लूजन क्या निकलेगा, उसके एडवांटेज क्या होंगे, ये सारी की सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होनी चाहिए। क्या बेनिफिट्स मिलेंगे मिशन स्टेटमेंट बनाने के, ये सब सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये प्रोसेस है, जिसको प्रोसेस को फॉलो करके बनाता है तो अच्छा मिशन स्टेटमेंट डिराइव कर सकता है। फिर आता है विजन स्टेटमेंट। What is a vision statement? A vision statement is an inspirational statement of an idealistic, emotional future of a company or group. देखिए, मैंने आपको जैसे बताया था कि vision जो होता है वो बहुत long term होता है, idealistic होता है, बहुत ideal, emotional हो सकता है, practical हो सकता है, ना हो, क्योंकि ये long term की बात हो रही होती है कि अगले 10, 20, 30 साल में company कहाँ पहुँचना चाहती है, तो हो सकता है वो थोड़ा सा अनरियलिस्टिक हो। फ्यूचर के बारे में बात करेगा, कंपनी के, ग्रुप के फ्यूचर के बारे में बात करेगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे, विजन डिस्क्राइब द बेसिक ह्यूमन इमोशन दैट अ फाउंडर इंटेंड टू बी एक्सपीरियंस बाय द पीपल द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्ट विद। इट ग्राउंड द ग्रुप सो इट कैन एक्चुलाइज सम एग्जिस्टेंशियल इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड। विजन स्टेटमेंट थोड़ा सा इमोशनल हो सकता है, थोड़ा सा अनरियलिस्टिक हो सकता है, बहुत लॉन्ग टर्म के बारे में बात करेगा और ये लंबे समय में ये बताएगा कि ये एनवायरनमेंट के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, दुनिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट छोड़ सकता है। तो देखिए इसमें एक डायग्राम में क्या लिखा है, विज़न टू क्रिएट लोकल अपॉर्चुनिटी ग्रोथ। अब इन्होंने जैसे इन्होंने बता रखा है कि विज़न, मिशन, वैल्यूज़, किसी माइक्रोसॉफ्ट के एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपना विज़न, मिशन और वैल्यूज़ कैसे डिफाइन किए हैं। तो उनका विज़न क्या है माइक्रोसॉफ्ट का,
माइक्रोसॉफ्ट का विजन क्या है, टू क्रिएट लोकल अपॉर्चुनिटी ग्रोथ एंड इम्पैक्ट इन एवरी कम्युनिटी एंड कंट्री अराउंड द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में हर एक कम्युनिटी को, हर एक लोकल इंडिविजुअल पर्सन को, हर एक बिजनेस हाउस को ये सर्व करना चाहते हैं, ये इनका विजन है। मतलब दुनिया का हर एक इंसान, हर एक कम्युनिटी, हर एक कंट्री इनकी कस्टमर हो, ये विजन है। इतना भयानक, और ये उन्होंने काफ़ी हद तक सच भी कर डाला है। दुनिया में हर देश में, हर कम्युनिटी में, हर ऑर्गेनाइजेशन में आपको विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ मिल ही जाएगा, और ये इसको और ज़्यादा तेज़ी से पूरा कर रहे हैं। अब जैसे जैसे लोग कंप्यूटर में लिटरेसी हासिल कर रहे हैं, कंप्यूटर चलाना सीख रहे हैं, वैसे वैसे ये अपनी चीज़ों में और बेहतर होते जा रहे हैं। मिशन स्टेटमेंट हम लोग ने अभी पढ़ी लिया है कि टू एम्पावर एवरी पर्सन एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन ऑन द प्लैनेट टू अचीव मोर, ठीक है, ये इनका मिशन था। वैल्यूज़ क्या क्या फॉलो कर रहे हैं, इनोवेशन करते रहेंगे, डाइवर्सिटी रखेंगे, ठीक है, फिलेंथ्रोपिस्ट एक्टिविटीज़ को प्रमोट करते रहेंगे, मतलब दान वान करते रहेंगे, कॉर्पोरेट एक्सीलेंस पे काम करेंगे, CSR करते रहेंगे, इन्वायरमेंट के ऊपर काम करेंगे, ट्रस्टवर्दी रहेंगे, ट्रांसपेरेंट रहेंगे, ये इनकी वैल्यूज़ है। तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट के विज़न, मिशन और वैल्यूज स्टेटमेंट से हमने पूरी तरह से एथिक्स को समझ लिया है। ये बिजनेस एथिक्स का बेस्ट एग्जाम्पल है कि क्या विज़न हो सकता है, क्या मिशन हो सकता है, क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं, और क्या कॉर्पोरेट एक्सीलेंस हो सकता है, और किस तरह से एथिक्स को किसी कंपनी में इंप्लीमेंट करके वो कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन सकती है। इस समय हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट से अच्छा कोई एग्जांपल नहीं है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट आज की तारीख में, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है। तो इनका विजन, मिशन स्टेटमेंट और वैल्यूज हमें बताता है कि एक छोटा बच्चा जिसने 16-17 साल की एज में कंप्यूटर कोडिंग स्टार्ट करी और वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना रहा सबसे लंबे समय तक, और उसकी ऑर्गेनाइजेशन दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन गई बाय इंप्लीमेंटिंग कॉर्पोरेट एक्सीलेंस, अपने बिजनेस में एथिक्स को इंप्लीमेंट करके, प्रॉपर वैल्यूज को इंप्लीमेंट करके उसने कैसे इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को बना दी। और फिलेंथ्रोपिस्ट एक्टिविटी में दान वान करने में भी बिल गेट्स का और बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन का कोई दूसरा सान नहीं है, मतलब उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन इतना चैरिटी करता है कि कोई नहीं करता है, और माइक्रोसॉफ्ट पूरे ह्यूमैनिटी की सर्व करता है। हमारी लाइफ हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते हैं विदाउट कंप्यूटर। अगर कंप्यूटर ना हो, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ना हो, तो दुनिया में शायद कुछ नहीं हो पाएगा, ना ही बैंकिंग होगी, ना ही एविएशन होगा, ना ही स्पेस साइंस होगी, कुछ नहीं होगा अगर ये विंडोज़ का, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ नहीं होता। और पिछले 50-60-70 सालों में या 100 सालों के अंदर ही सारे के सारे ये रिवॉल्यूशन और नए नए इन्वेंशन हुए हैं, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ इस लेवल तक पहुँच चुके हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लास हेल्पफुल लगी होगी, और मैंने शायद इसका लेक्चर रिकॉर्ड भी कर लिया है, वो मैं रिकॉर्डिंग अवेलेबल आपको करा दूँगा। आपका सभी का समय देने के लिए बहुत शुक्रिया।